हेलो कौन है भाई? यो इन अ फायर की लड़की आग लगाने आई है दुनिया में। आए कितनी प्यारी है, आए कितनी मासूम है। हाय मुझे दोनों प्यार है सर, कभी कभी। ये लड़का ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, आराम से आ जाओ। आप मिल चुकी हो ओबामा से? इंडिपेंडेंस डे था तो वो आए हुए थे। इनाया के पास अगर कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? मैं लोगों की दिमाग पढ़ लेती। ये चोरी है ना, टायर है। अयाज सुन लोगों को जानते हैं, एक आते हैं एक्चुअली। यार को मेरे तुमने समझा है क्या? जो इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स करती है लेकिन लोग फिर भी उनको कहते हैं कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये जो आपको लोग इतना एडमायर कर रहे हैं नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद भी लोग आपको इतना प्यार से पॉजिटिव प्यारी वाली नजरों से यूं देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या रीजन है? आपकी भरपूर तालियों बुलाते हैं इनाया खान। मिस इनाया खान, यस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इनाया, लोग सिर्फ पूछे कि भाई आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो ये नेचुरल है या कोई सर्जरी करवाई है? सर्जरी बिल्कुल भी नहीं। कोई टीका लगवाए? नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ऐसी नौबत नहीं आई, आगे का पता नहीं। अभी तक नहीं है, आगे का मैं नहीं कर। हाँ। कर भी रहे तो उसका अपने पैसे, उसका अपना चेहरा है। हाँ, वो मेरा अपना चेहरा है, अगर करूंगी तो। अगर कोई करता भी है ना तो हम उसके ऊपर, हमें कोई टॉन्ट करने का या कमेंट करने का हक या, नहीं है। या एग्जैक्टली exactly. उसका फेस है, पैसे उसके हैं, साइड इफेक्ट्स उसके हैं। सही बात है, वही कहते हैं ना, वो ये सब कराने से जिंदगी कम हो जाएगी। हाँ। तो भाई सही है, इतनी जिंदगी लिखी होगी तो सही। इसका मतलब इनाया का मूड है कि कुछ करो? वैसे अभी तक तो आई थिंक आई एम परफेक्टली फाइन। व्हाट डू यू गाइस से? व्हाट डू यू से? देखो, एक इंसान की नेचुरल ब्यूटी से ज्यादा ब्यूटी कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, और पता है मैंने देखा एक चीज हो कि जितना लोग करवाते हैं उसके बाद वो सूट भी नहीं करता। आई एम गोना बी रियली ऑनेस्ट, आई थिंक अल्लाह ताला ने जो नेचुरली आपको गिफ्ट किया होता है ना। कौन कौन ऐसा है आपको लगता है जिन्होंने अपनी शक्ल बिगाड़ी है? किस किस ने कुछ करवाया सारे है? लेकिन अभी जीव सा लगेगा, अब तो हर कोई करवा रहा है। इनाया, आप अक्सर हमें दिखती हैं नेगेटिव कैरेक्टर करते हुए। हाँ जी जी, हाँ। तो इतनी पॉजिटिव होते हुए, बबली बबली होते हुए नेगेटिव कैरेक्टर क्यों करती हैं? Well, वो कहते हैं ना कि अब आपको हमेशा वही मजा आता है एक्टिंग करके जो आप ना नहीं है, राइट? अब जैसे मैं, I'm like a very positive soul. मैं अपनी खुद की तारीफ खुद कह रही हूँ, I'm a very positive soul. सही है, करनी चाहिए अपनी तारीफ। मैं कर चुकी हैं, आप अब कोई रोक भी नहीं सकता। बस ठीक है ना, अपनी तारीफ कर ली मैंने, ठीक है। Yes, I'm a very positive soul, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझसे सब माशाल्लाह से ऑलरेडी खुश है, किसी को मुझसे कोई गिला नहीं, सब खुश है। मैं वो खुशियां खराब करने जाऊंगी इसलिए मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स करती हूं। किसी को मुझसे कोई गिला नहीं, आई मीन एवरीवनस लाइक सो सैटिस्फाइड मी। अच्छी बात है। Yeah. तो इसलिए आपके आपको एक तो मार्जिन मिलता है। यस yes. और फिर मुझे लगता है कि एक्टिंग नेगेटिव एनर्जी एक्टिंग में मार्जिन बहुत होता है एक्टिंग का। क्योंकि वो पॉजिटिव में आप ज्यादा नीचे नजर झुका के लाइक जी जी आप सही कह रहे हैं, वो आंसू टपकाने से बेहतर है कि वो यू नो ऊपर से यो इन अ फायर। ये लड़की आग लगाने आई है दुनिया में। ऐसे रियल लाइफ में कभी इनाया पे वो शेड आता है नेगेटिविटी का? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि बहुत ज्यादा कोई आपको जिज कर दे, नहीं, तो गुस्सा दिलाए, बल्कि ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही मुझे लगता है कि क्या? मैं कभी भी ना आगे वाले बंदे से लड़ नहीं सकती, शाउट नहीं कर सकती। मैं बहुत डिफरेंट हूँ लाइफ, मैं वेरी कॉम। अगर वो बहुत तंग कर रहा है तो किस तरह रिएक्ट करती हैं आप? Well, या तो मैं पीछे हट जाऊंगी, उस जगह को छोड़ के चली जाऊंगी, या तो फिर शायद मैं मुझे रोना भी आता है ऐसे कभी कभी। रिएक्ट नहीं करती है? रिएक्ट नहीं करूंगी, लेकिन पीछे जाके मैं फिर थोड़ा सा रो लूंगी, दिल हल्का कर लेती हूँ। तो किसी को अगर किसी को गुस्सा रहा तो उसे डांट भी नहीं सकती हैं आप? I don't know, वो आगे से बदतमीजी करेगा, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होगा। हम 5 साल बाद देखेंगे जब इंशाल्लाह इनाया की शादी होगी ना, फिर इनके हस्बैंड को उनके साथ बुलाएंगे भाई हमारे, और ये सारी क्लिप चलाऊंगा मैं कि ये कहां था लड़की ने, अब बताएंगे। अच्छा भाई, एक और सवाल लास्ट। हाँ। हम 1.5 साल पहले जब मिले थे जी जी, तब हमने सुना था कि आप शादी करने वाली हैं, तो फिर ये प्लान चेंज हो गया? नहीं, लड़का समझ में नहीं आया? नहीं, अभी नहीं है शादी का प्लान।
नहीं, मुझे कोई इस काबिल नहीं लगा अभी तक। अच्छा, क्या बात कर रही हो, सही बता रही हूँ, कोई लड़का कभी जिंदगी में इस काबिल नहीं लगा। नो नो नो, बिकॉज़ आई थिंक मेरी जो एक थिंकिंग है ना, मेंटालिटी, वो थोड़ी सी डिफरेंट है आज के जमाने से। आई एम लाइक अगर मैं करूंगी किसी से, इफ आई कम इन अ रिलेशनशिप और इफ आई कमिट विद समवन, तो आई एम डैम सीरियस। और आज के जमाने में देयर इज नो सिंसियरिटी। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट जिससे भी आप सामने, बिल्कुल सही बात की आपने, आप सामने जितने भी लोगों से मिल रहे हो ना आज के जमाने में, 99% फेक है वो बंदा। यू नेवर नो किसके पीछे क्या छुपा है भाई। हम वो तमाम बैचलर्स, कुंवारे, सदीद सिंगल जो देख रहे हैं हमें, इनाया को एक लड़की की तलाश है, किस तरह का लड़का, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसकी? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ही शुड बी वेरी वेरी लॉयल, वेरी वेरी लॉयल, वेरी लॉयल, बिकॉज आजकल के जमाने में बहुत रेयर है। सही है। सेकंड, ही शुड बी वेरी केयरिंग, वेरी लॉयल, वेरी केयरिंग, एंड हैंडसम, वेरी हैंडसम, या एंड ही शुड बी टॉल, वेरी टॉल, and he should be, you know, he should have discipline in himself, very disciplined, and thoda sa social bhi ho jaye to very social, like, you know, mere sath koi videos wala, reels wala, main walking kara kare, you know, slow motion walk, slow motion karne aati ho, okay, very slow motion, theek hai, he should be a good cook, good chef chahiye, ठीक है, हम नोट कर रहे हैं, आप बताएं, वो लड़के देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात, काफी काफी लड़कों ने दूसरी वीडियो लगा लेती देर में। हां, और एंड ही शुड नो हाउ टू डांस, वेरी गुड डांसर, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छी डांस करती हूँ, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि मेरा पार्टनर भी, हम जब शादी करें तो डांस करें अच्छा, बिल्कुल फ्लोर, यू नो, वी रॉक द फ्लोर, ठीक है, अच्छा डांसर, और या एंड और कुछ बचा है? ये लड़का ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, आराम से आ जाओ ऑर्डर पे बनवा, मुझे कोई जल्दी, अच्छा वैसे लाइफ में कभी कोई इन क्वालिटीज के साथ मिला नहीं? कोई ना कोई कमी रहती है, और वो जो कमी रहती है ना, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, उन कमियों पे मुझे चाहिए तो यही चाहिए, मेरी लिस्ट में से ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, मैं आपको एक बात, एक शॉर्ट बता रही हूँ, जो जो चीजें, जो जो कमियां हैं, वो मेन चीज है रिलेशनशिप में चलाने के लिए, और अगर वही चीज ना हो तो फिर ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड केयरिंग। मतलब किसी ने ट्रस्ट तोड़ा आपका? चलता रहता है, तो लाइफ है, मतलब आपको कहा कि आप ही मेरी सब कुछ हैं, लेकिन पीछे बहुत कुछ थी। नहीं, वैसे खैर मेरे होते हुए किसी ने कोई ऑप्शन ढूंढा नहीं है। I have this much confidence, but yeah, people have been like, you know, lies, झूठ बहुत है आज के जमाने में, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है किसी का भी। कोई ऐसा जिंदगी में इंसान कोई ऐसा आया हो, या कोई हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो टॉप 3 हैंडसम लोगों में आते हैं दुनिया में, तो किस किस पे क्रश है इनाया को, किन एक्टर्स पे, किन मॉडल्स पे? ओके, गुड क्वेश्चन। वेल, मेरे क्रश रह चुके हैं, वो रह चुके हैं, अभी भी हैं वैसे, मिकॉल, because of her, I like his personality, it's very decent, kind of a guy I'm looking for, you know, जैसे मेरा जो थोड़ा आइडियल है। मिकाल भाई को छोड़ के, मिकाल जैसे जितने भी हैं सामने आ जाएं प्लीज। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और I would say I like Feroz Khan. Feroz, he's attractive. He's a good actor. Though and और कौन बचा? फिरोज हो गया, मिकाल हो गया, तीसरा पूछा चाहिए। वो अयाज सुमरो को जानते हैं आप, एक आते हैं एक्टर। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे मैच के बजाय यार तुम। Welcome back to the radio. You are watching the National Radio. Tomorrow, with us, मौजूद हैं प्यारी सी नया खान। Hi. मैं कुछ कह भी नहीं सकता इनको, इन्होंने कन्फेस किया है चीज, मैं बहुत ब्लश कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अगला जो गेम खेलने लगे हैं वो है पर्दा उठा दें। आपकी जिंदगी के कुछ किस्से हैं, कहानियां हैं, अच्छा, आपने उनसे पर्दा उठाना है और बताना है कि क्या ये सच है या नहीं। ओके, पहला, क्या इनाया खान गाना भी गा लेती हैं लेकिन गायकी का फन दादा और पापा से विरसे में मिला है? हाँ। अच्छा, हाँ, आपके दादा और पापा सिंगर रहे? यस, मेरे दादा हैं, वो तो बड़े महफिलें जमाते थे, सुना। अच्छा, मेरे डैड बहुत अच्छे गाते हैं इनफैक्ट। तो वो प्रोफेशनल थे या सिर्फ घर घर की हद तक? घर घर की हद तक ही था, लेकिन बड़े जैसे नहीं, वो मोहल्ले में बड़े महफिलें जमती थी, मोहल्ले के कॉन्सर्ट करते थे। मतलब मोहल्ले की कॉन्सर्ट ही करेंगे ना? वही समझ जाए भाई, मोहल्ले में कॉन्सर्ट ही करेंगे, ऐसा तो नहीं बिलावल अंकल खड़े हो चौक पे गाना शुरू हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हाँ वही कॉन्सर्ट करते थे, वो घर घर वाला। तो फिर आप लेकिन मेरे डैड जो गाते हैं वो फिर वो जो अंकल फिर एल्विस टाइप गाते होंगे, लाइक रफी के सॉन्ग्स एंड हां, सो ही सिंग्स वेरी गुड। इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी गाती है, तो ये खानदानी है कुछ सिंगिंग का सीन। तो खानदानी सिंगिंग में इन्होंने बगावत करके एक्टिंग में कदम रखा। हाँ। ओके जी, अगला, क्या इनाया को अमेरिका में रहते हुए भी पाकिस्तानी ड्रामों में एक्टिंग करने का शौक था? हाँ,
तो यार अमेरिका में रहते हुए तो आप हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर होते हैं। मैंने बताया था ना कि वो पाकिस्तानी ड्रामे बड़े चल रहे थे उस दौरान। अच्छा, नया नया आए थे चैनल्स, एआईवी भी आया था उस दौरान नया नया, सो उस वक्त जरा सा स्टोरीज वाला अच्छी लगती थी। मतलब एक वहां पे एक हाइप बनी हुई थी पाकिस्तानी चैनल्स, हाइप बनी हुई थी एग्जैक्टली। तो वो इनफैक्ट वहां यहां के जब एक्टर्स वहां आते थे 14 अगस्त को, तो हम बड़े इंस्पायर होकर देखते थे, वो ये तो वो टीवी में आते। किसी हॉलीवुड के एक्टर से या एक्ट्रेस से इंस्पायर नहीं हुई कि यार आई वाज मुझे डिज्नी वर्ल्ड से मैं बहुत इंस्पायर थी। न्यूयॉर्क में थे तो वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग का पापा का काम एंड स्टफ फिर डिस्टर्ब। न्यूयॉर्क से एलए नहीं गया, गया ये न्यूयॉर्क से कराची आ गई। लेकिन मैं जाते आते रहती हूँ तो अभी मैं वापस जा रही हूँ, वापस जा रही हूँ, वापस जा रही हूँ। आधा पाकिस्तान जा रहा है। ओके जी, क्या इनाया को शोबिज की दुनिया में नहीं आना होता तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी कर रही होती। अच्छा, सीए किया हुआ आपने? नहीं, मेरा अभी सीए तो नहीं किया, लेकिन आगे मेरे प्लान्स सीए के ही हैं, अभी भी हैं। ये एक कमी है जो मुझ में रह गई है। सीए करना है आपको? या आई वांट टू। तो किसी का दिल दुखाया था जो उसने बद्दुआ दी है क्या? क्यों, अच्छा होता है। अच्छा तो होता है, लेकिन बहुत लेंदी होता है। बहुत लेंदी होता है, एग्जैक्टली। मतलब फिर वही बात हो गई ना कि अगर आप एक फील्ड पे आप हो तो आप दूसरी चीजों को नहीं मैनेज कर सकते। सीए इज वेरी हार्ड। सीए वाला तो बेचारा बस फिर तो एक कमरे में लॉक रहता है। ओके जी, क्या इनाया तस्वीर नहीं बनवा सकी थी, हटाइए, जब साबिक अमरीकी सदर ओबामा से मुलाकात हुई थी? अच्छा, आप मिल चुकी हो ओबामा से? असल में वही बात होगी, वो कैमरे वाले इंडिपेंडेंस डे पे, इंडिपेंडेंस डे था उस दिन, तो वो आए हुए थे, तो वो ओबामा उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं था अमेरिका का। उसको क्या थे वहां पे? तो वो साइड पे थोड़ा साइड पे कोई गाड़ियों ने दिखा देते जी, सब्जी की दुकान थी। नहीं नहीं नहीं, वो परेड 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 चल रहा था। परेड तो ढोल जा रहे थे। परेड कर क्या रहे थे ओबामा साहब, हमें ये जानना है ना, प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे वो? मैं बता रही हूं, वो साथ चल रहे थे क्राउड के, ऐसे चल रहे थे। तो खैर वो, अच्छा इन्होंने भी इग्नोर किया, भाई चल ही रहा, पता नहीं कौन है इनको, क्या पता कि दो साल बाद, कितने साल बाद वो फिर बने थे? नहीं, फिर I guess like 4 or 5 years. कोई ना कोई पोस्ट पे थे वो उस वक्त, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि अगर पिक्चर, अगर कोई कैम, उस जमाने में यू नो फोन तो होते नहीं थे, सेल्फीज भी नहीं ली जाती थी, तो वो अगर होता तो अम्मी शायद बना लेती पिक्चर। तो मतलब आपने ओबामा को देखा है? अब सिनेमा। ओके जी, क्या इनाया मॉडल, एक्टर और सिंगर तो हैं, लेकिन उन्हें क्लासिकल और ब्रेक डांस करना भी आता है? Yeah, that's true. कहाँ से सिखाई? Really good dancer, you know. हाँ, हमने अरीबा की शादी में आपको डांस करते हुए देखा। हाँ, I dance good. हमारे यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि डांसर्स को मतलब इतना प्रमोशन दी जाती है, वरना मेरा ये भी पैशन है बहुत, डांस करने का। और ये डांस निकलता वहाँ है, जैसे मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो वहाँ निकल गया। आप किस किस तरह का डांस कर सकती हैं? आई कैन डू क्लासिकल एंड देन आई कैन डू ब्रेक डांस। क्लासिकल ये वाला? हाँ। अच्छा, हाँ। और ब्रेक डांस? ब्रेक डांस कर सकती हूँ मैं। फुल लॉकिंग पॉपिंग कर लेती हैं। और आजकल वो जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो ट्रेंडिंग टिकटॉक वीडियोस में नहीं चल रहे हैं आजकल, जो कोई अच्छा कोई डांस का चैलेंज निकल आता है, वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं वो पोस्ट नहीं करती। गई कर लेती हूँ, सेव करके खुद ही देखती रहती हूँ और दोस्तों में शेयर करती हूँ। हाँ, नहीं, अपने कोई फ्रेंड जोन एक ग्रुप है उसमें बस दिखा दिया। तो कभी वो एक अंदर एक होता ना आग लगी होती है कि यार दुनिया को दिखाना है कि मैं कैसा डांस करती हूं। दिल चाहते लगाती फिर हटा देती हूं। कमेंट्स पढ़ के कमेंट्स में ऑफ कर देती हूं, कमेंट्स में ऑफ कर देती हूं ऐसे वीडियोस। वैसे क्या क्या आप अगर कभी डांस की वीडियो डाली तो लोग किस तरह के कमेंट्स कर होते हैं? मैंने अभी रिसेंटली डांस की वीडियो डाली थी अपनी सिस्टर की शादी में, और बल्कि एक बड़ी वायरल भी हुई थी। कौन सा गाना था? बेशरम रंग। अच्छा, और वो बहुत वायरल हुआ था, वो इंडिया तक की हेडलाइंस पे भी आया था। अच्छा, यस, क्योंकि उसमें जो मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे महरूज बेग, वो उसको काफी लोग कह रहे थे कि he looks, he resembles with बिलावल भुट्टो। अच्छा, so इस चीज का बहुत हेडलाइन न्यूज में चल रहा था, और मेरे पास लिटरली इंडिया से रिपोर्टर्स की वो इंस्टाग्राम पे कंफर्मेशन आने की, आर यू श्योर कि आपने उनके साथ डांस नहीं किया? लेकिन वो नहीं है मेरे साथ डांस किया है, ये न्यूज आई थी। वो मेरे फ्रेंड है एंड ही लुक्स लाइक हिम। हां हां हां, बिल्कुल वो लगता है उसकी तरह, लेकिन इसको मैंने क्लियर किया, तो उसमें बहुत कॉमेंट्स आए कि यार ये देखो कैसे डांस कर रही है, क्या पहनी हुई, जबकि एवरीथिंग वाज लाइक नॉर्मल, राइट? इट वाज नथिंग वाज एक्सपोजिंग, बट पता नहीं क्या है यहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है। बोल सकते हैं भाई, लोग हैं लोग हैं तो क्या उनको भाई कमेंट ऑप्शन ही दिया इसलिए कि
आए और बोल के मैंने नहीं लगाई हुई, दूसरे लोगों ने लगाई हुई है वीडियोस ना टिकटॉक। अच्छा आपने लीक हुई है ये वीडियो, लीक हो गई थी। मैंने लगाई थी विदाउट कमेंट, लेकिन वो फिर कॉपी पेस्ट हर जगह हो गई, तो उन्होंने बंद किया सोशल मीडिया पे हो गई थी वो। हाँ तो हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा मैजिक है यहां से। Welcome back for the waiting or watching the night show. Yasum, मेरे साथ मौजूद हैं एक्टर, डांसर, सिंगर, विलन, जिन और हाँ जिन इनाया खान। अच्छा इनाया, हॉरर भी आपने किया है। जी जी, हॉरर और कॉमेडी में कहते हैं कि बहुत थिन लाइन होती है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। तो हॉरर करते हुए क्या होता था दिमाग में, किस तरह से उस कैरेक्टर को आप कंसीव करके प्ले करती थी? अच्छा, अब जैसे अगर कोई हॉरर का कोई स्क्रिप्ट आता है ना, तो अगर आप उसको पढ़ो तो आपको हंसी आएगी, क्या लिखा। लेकिन जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो और एक्ट करते हो, गेटअप में आते हो, तो वो पूरा माहौल बनता है, लाइट्स बंद होती है, स्मोक चलता है, तो फिर वो नेचुरली वो हॉरर बन जाता है। तो मुश्किल नहीं है आपको? मेरे खास बिल्कुल मुश्किल नहीं है मुझे। मुझे हंसी कुछ ऐसे सीन्स थे कि वो ये चीज़ उड़ के यहाँ जा रही है, वो देखिए कैसे उड़ते हुए जाएगी। लेकिन जब वो लिटरली उड़ रही थी, तो मैं तो खैर उस चीज़ में थी नहीं, मैं उस कैरेक्टर में थी, और मैं बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं अब दिस इज रियली, दिस कभी रियल लाइफ कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया नॉर्मल एक्टिविटी कोई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई नहीं, कभी भी नहीं, कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। नहीं, वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जो मेरे अक्सर जो व्हेन आई ड्रीम समथिंग, तो वो अक्सर सच हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये मेरा अपना। कौन कौन से ख्वाब सच्चे हुए हैं इनाया के, हम जानना चाहेंगे? अच्छे ख्वाब नहीं है वो। अच्छा, वो खतरनाक वाले ख्वाब, जो नेगेटिव ख्वाब होते हैं। हाँ, नेगेटिव थोड़े से ख्वाब है, लाइक सुनामी देखा था मैंने अगले दिन, वो इस्लामाबाद में बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक टाइप का आया था। हाँ, वो मैंने, लेकिन मैंने देखा सुनामी था, सो भी वो मतलब ऐसा हो जाता है। तो कभी ख्वाब में कोई अच्छा लड़का नहीं आया? अरे आया तो, लेकिन वो ख्वाब अच्छा था, वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, नहीं वैसे ऐसा कोई ऐसी आता है। आखिरी बार कोई एक्टर, कोई सेलिब्रिटी ख्वाब में जो आया हो? ख्वाब में वो हॉलीवुड से आया कोई। हॉलीवुड से आया था? हाँ। हॉलीवुड से आया था कोई। चला गया, हो गया, चला गया, क्या आया, हो गया। फ्लाइट ड्यूरेशन से एक घंटा। ओके, अगला जो गेम खेलने लगे वो है पावर प्ले। आपने तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं। किस सिंगर के साथ गाना गाना चाहेंगी, साहिर अली बग्गा, अली अजमत या सज्जाद अली? अली अजमत। अली अजमत के साथ, he's got that, you know, जज्बा, रेंज और एनर्जी उनकी, जज्बा। बाकी ओके, घर या दोस्तों में किसी संजीदा बात करने पर ताना मिला कि यार ये एक्टिंग मत करो यहाँ पर? बहुत मिलता है, हर वक्त जो भी कहती हूँ सब समझते हैं एक्टिंग कर रही हूँ, बस कर दो यार, सच होता है। हाँ? अभी भी कर रही है? नो डाउट, हो जाते थोड़ा एक्ट कर करके हमने थोड़ा सा वो एक आ जाता है, लगता है हर वक्त कैमरा बस हम पे फोकस हुआ है। घर में ऐसी फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है, आई डोंट नो व्हाई। मैं जानना चाहूंगा ये कि सिंड्रोम क्या है। ये ऐसा लगता है कि हम 24 घंटे कैमरे के सामने ही ऑलमोस्ट शूट्स कर रहे होते हैं, तो ऐसा वो एक लगता है जैसे कि अब बस अपने जोन में भी अब कहीं ना कहीं शूट हो रहे हो, ऐसा लगता है। तो घर में चलते चलते बिल्कुल देखिए कैमरा तो नहीं, फ्रिज खड़ा हुआ वहां पे। आप परफ्यूम होती तो उस खुशबू को क्या नाम देती? ओह, आई डोंट नो, देयर सो मेनी। अगर आप होती कोई परफ्यूम? रॉकस्टार। ओहो, अच्छा नाम है वैसे, रॉकस्टार, गुड। ओके, इनमें से किस चीज के बगैर आपका गुजारा बिल्कुल भी नहीं? मोबाइल, इंटरनेट या कार? मोबाइल। मोबाइल ना, अगर इंटरनेट नहीं चले, पिक्चर्स एडिटिंग और वो सब करना स्टार्ट कर देती हूं मैं, मोबाइल छोड़ती नहीं हूं मैं। मां का, हां, अगर वाईफाई ना चले तो आई हैव अदर थिंग्स टू डू ऑन द फोन। स्क्रीन टाइम अच्छा खासा है मुझे। ओके जी, बचपन में कौन सा गेम खेलती थी? बर्फ पानी, लूडो, लूडो बहुत खेला है, एंड कैरम। कैरम बर्फ पानी बहुत मजा आता है, वो आप भागते हो पे एकदम से बर्फ पानी फलासी। बहुत खेला है, लाल परी बहुत खेला है। लाल परी? लाल परी ये क्या होता है? लाल परी आना, छुप छुप के आना, दो थप्पड़ मार के। क्या होता है लाल परी? वो आप आंखें कोई आपके हाथ पे रखता है। हाँ? आप अपना हाथ यूं रखते हो, सामने से वो एक बंदा आके ताली हाथ पे मार के भाग जाता है, और बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप सिलेक्ट करते हो किसका हाथ था वो। ये रिस्की है गेम, एक बंदे ने आंख पे हाथ रखा, अगला हाथ पे कुछ, ये किसी और रिलेशनशिप में करना चाहिए, लॉयलिटी का पता चल जाएगा। शुक्र है हमने ये गेम नहीं खेला। अगर आपके किसी दोस्त को पता चल जाए कि आपके 10 लाख का बॉन्ड निकला है, तो वो कौन सा दोस्त है जो पैसे मांगने आ जाएगा? ओए ओए, ये अच्छा सवाल है यार, बहुत सारे हैं। बहुत सारे मांगते दोस्त तो खैर बहुत सारे हैं,
जो पैसे मांगते हैं तो अब देती है दोस्तों को? हाँ, when they, when they need it, तो मैं दे देती हूँ। और वापस लेती हैं फिर या नहीं? देते ही नहीं है वो। सही बात, सही बात। ओके जी, क्लास में किस टीचर के लिए दुआ करती थी कि आज वो स्कूल ना आए? माय मैथ टीचर। क्यों? बहुत ज्यादा सख्त थी वो। मारती थी? अब पता है अमेरिकन की स्कूल की टीचर्स तो और भी सख्त होती है। मिसेस कोर्स नाम था उनका। मिसेस कोर्स। और उनके बड़े भाई एटीट्यूड होते थे। वो बॉब कट उन्होंने किया था। शी वाज अ ब्लॉन्डी। ओह। एंड देन शी वाज यू शी यूज्ड टू बी लाइक ओपन योर बॉक्स एंड देन योर बॉट लगता था। ओके जी, तीन ऐसी मिठाइयां जिनमें बे नहीं आता। कलाकंद। अरे वाह, गुड। कच्चा कोला। कच्चा कोला, ये कौन सी भाई? होता है गोल सा, चीज का बनता है। अच्छा, ये मैंने कभी नहीं सुना। नहीं नहीं सुना? हाँ, मैं। और हम गरीब हैं, हम वाले गुलाब जामुन वाले। खोपड़े वाली मिठाई। ठीक है। हाँ, खोपड़े वाली मिठाई। खोपड़े वाली मिठाई यार, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी बात है, ये पहली लड़की जिसने रसमलाई कंसम नहीं का यार। आई डोंट लाइक रसमलाई, बहुत मीठी होती। मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, हमेशा के लिए अगर किसी एक चीज को छोड़ना हो तो क्या छोड़ेंगी? एक चीज को छोड़ना हो? मॉडलिंग। मॉडलिंग छोड़ देंगे यार, वो तो एक्टर आप बनते तो पिक्चर्स तो बनी जाती है, मजबूरन आपको बनानी पड़ती है। ओके जी, अब तक कितने चेक हैं जिनके इंतजार में बैठी हैं? बहुत सारे। अभी भी कॉल करके आ रही हूँ। रिकवरी नहीं हो रही लड़की से। मैं लिटरली भी कॉल करके आ रही। कितने टाइम से चेक फंसे हैं आपके? 6 महीने हो गए। बहुत ज्यादा हो गया। हम चाहेंगे कि कैमरा आपके सामने है, जिन जिनके पास आपके चेक फंसे हैं प्लीज आप रिक्वेस्ट करें, प्लीज सब दे दो, प्लीज चेक। क्योंकि हम देखो, हम काम करते पैसों के लिए। हर किसी को ना, हर किसी को ना माना के शौक होता है एक्टिंग का, लेकिन ये हमारी कभी कभी नीड्स भी होती है, राइट? लाइक हर बंदा वांट्स टू वर्क फॉर मनी, दिस इज आवर वर्क एज बीइंग एन एक्टर, दिस इज आल्सो आवर वर्क, सो प्लीज पेमेंट्स क्लियर कर दो, थैंक यू। जितने बरमबाजी से उन्होंने कहा है, जो आने वाले थे शायद अब ना आए। नहीं, अब वो है ना, वो है मुझमें स्वैग, मैं क्या करूं। ओके जी, अगर इनमें से किसी एक मूवी का रीमेक बने तो आप किसमें हीरोइन आना चाहेंगी? ओके, जवानी फिर नहीं आनी, कायदे आजम जिंदाबाद, लंदन नहीं जाऊंगी। जवानी फिर नहीं आनी। जवानी फिर नहीं आनी, उसमें कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगी? वो जो आके ना सरबत थी उनमें, महवेश थी उनमें। हाँ, वो जो आई थिंक महवेश हयात वाला कैरेक्टर है। या या ओके, किसकी बातें सुनकर कान पक जाते हैं? बहुत सारे लोग हैं। कोई दोस्त जो बुरा ना माने? बुरा मानेंगे? नहीं मानेंगे, मान जाते हैं। अरे क्यों मानेंगे, बहुत दिल के छोटे हैं। मान जाते हैं तो फिर वो दोस्त नहीं है। यही तो मसला है, क्योंकि हमारे दोस्त भी दोस्त नहीं है। क्या बात है यार, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी मैंने, क्या बात कर दी। टीवी बंद करो आप लोग। सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करती है? मोबाइल चेक करती हूँ मैं अपना। आंखें नहीं खोलती? आंखें खोल के ओके। हां, मैं मोबाइल चेक। अक्सर लोग वाकई एक आंख खोलते नहीं, देख रहे थे ना? यही इसी तरह मेरी आंख खुलती है। हा? जब मैं सुबह उठती हूँ, मेरी अम्मी कहती है इसका मोबाइल कहाँ है, चलो मैं मोबाइल दो, इसी बहाने आंख खोल लेगी। बच्चों का फीडर और नया का मोबाइल। Ah, that's true. इन दो चीजों से लोग जाग रहे हैं। That's actually true. ओके जी, आपका अपना पर्सनल फेवरेट सिंगर जिसे आप 24/7 सुनने के बाद भी बोर नहीं हो? The Weeknd. I really like his songs. Inaya के पास अगर कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? मैं लोगों के दिमाग पढ़ लेती। I wish. टेलीपैथिक टाइप कुछ होना चाहिए। Brain reader type. I wanted to be. तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है? Yes. ब्रेक पे चले जाते हैं, ज्यादा बेहतर ये रहेगा। हम तेरे ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहेगा नाइट वीडियो आते हैं। Welcome back from the break. You are watching the Nigel Williams. समय में साथ मौजूद हैं गायब होने वाली लड़की। वैसे कभी किसी की जिंदगी से गायब हुई है? बहुत किसी को घोस्ट किया है? नहीं, कह रही बहुत ज्यादा, बहुत दफा, और फिर कह रही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि यू नो है कुछ लोगों की लाइफ से मैं हुई हूँ गायब, बिल्कुल खुद की हरकतों की वजह से। ब्लॉक कर दिया उनको? ब्लॉक कर दिया हर जगह से। वैसे ब्लॉक नहीं करती मैं, सॉरी, नहीं ब्लॉक नहीं करती मैं, मैं इग्नोर करती हूं। आई वांट टू शो देम कि लुक हु आई एम नाउ, फिर बाद में वो कमेंट बंद करने पड़ते हैं। ओके जी, ओके जी, हम जो अगला गेम खेलने लगे हैं उसमें आपको अपने कुछ कलीग्स हैं, कुछ हमारे बड़े मशहूर मशहूर लोग हैं, उनके पासवर्ड गेस करने के, उनके पासवर्ड क्या हो सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए। यमुना सैदी, झुमका। झुमका? I've seen her wearing jhumkas like a lot on screen. यमुना सैदी ने पासवर्ड रखा है झुमका। झुमका। ओके, वहाज अली। वहाज अली, I don't know, गुस्सा?
गुस्सा? मुझे उनकी तरफ बहुत गुस्सा लगता है, अग्रेसिव लगता है। बहुत अच्छा लड़का है वो, तो स्वीट हार्ट है यार। बट आई डोंट नो, आई फील लाइक उनकी या तो प्रेजेंस ऐसी होती है स्क्रीन पे। तो आप ये सोचिए वाज ने अपना पासवर्ड रखा, मैं गुस्से वाला हूँ। हो सकता है। ओके जी, फिरोज खान। इश्क 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 माशूकी वाला है ना, आशिक। यार अब एक अच्छा लव रोमांटिक भी कह सकती थी, इश्क माशूकी। you know like jo ek mohabbat hoti hai, you know like bahut sawar kar lena, so I don't know, I've been seeing, you know, jununi aashiq type, jununi aashiq type ka, exactly, you get feroz apna password rakha hua jununi aashiq. Okay, iman khan stylish girl. ये कौन है जो अपने पासवर्ड ऐसे रखने भाई? ओके जी, आयदा खान। वो याद है फेसबुक के दौर में प्रिंसेस खान होते थे उन्हें। आपका पहला नाम क्या था फेसबुक पे, हम ये पूछेंगे अब। मेरा लवारो, because I was really inspired with Demi Lovato. Yeah, so Lovato था मेरा नाम। सारा खान baby girl yeah, she's like a sweet, वो मदर हो चुकी है बेबी की। हां, तो baby girl you know, she's a mom। अच्छा, अपनी बेटी का नाम पे रखा है। baby girl, yeah, सही है भाई, ये कह सकती है हम मम्मी को। कहते हैं वो जी, हम यहीं पर खत्म करते हैं अपना पासवर्ड वाला गेम। ओके, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी। अच्छा, इन चीजों का नाम अगर इनाया आपको, यानी मक का नाम मक किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा इन द पास, अगर इन चीजों का नाम इनाया को रखने होते तो वो क्या होते? ओ ठीक है, ओहो, लगाए पहली तस्वीर। प्लम्बर। अच्छा, प्लम्बर, ये कौन सा प्लम्बर है भाई? प्लम्बर, good name. Okay, जी, अगला। गुलदस्ता। गुलदस्ता? अच्छा लगेगा। गुल नहीं है ये, बल्कि बत्ती दस्ता होना चाहिए। जी, अगला। ये हम कह सकते हैं चुबन। किसी ने कांटा चुबोया है इनको? चुबन। ओके, हाँ, ये अच्छा है, बिरयानी के साथ चुबन देना जरा। वाह वाह, अगला। लोड शेडिंग। अरे ये लोड शेडिंग से निजात दिला रहा है भाई। हाँ, तो लोड शेडिंग का हल है ना इसके पास। हाँ? तो लोड शेडिंग, एंटी लोड शेडिंग कहते हैं। हाँ, एंटी लोड शेडिंग। एंटी लोड शेडिंग, अगला। ये चूड़ी है ना? नहीं नहीं, ये टायर है। ये क्या है? ये तो ब्लैक बोर्ड है ना, ये हम कह सकते हैं अंधेरा है, बहुत डीप है ये। कैंचिया। क्या करवा रही है? कैंची, ये यू नो कैंची, ये इसको बालों की हथकड़ी। दैट्स आल्सो गुड, दैट्स आल्सो गुड, लेकिन कैंची के अंदर भी तो ये फिट होती है, यू नो, बालों के इंडिया पे कैंची बालों को फिट करे, हमारे यहां तो काट देती है। काट देती बाल, काट देती भाई कैंची, और क्या करेगी ये। अगला। जी, मोमबत्ती। मोमबत्ती काम कर सकती है आजकल के जमाने में, यही मोमबत्ती है हमारे लिए। बत्ती है, मोम आप इसे खुद एडजस्ट करें आप। अब कहाँ कैंडल्स चलती है, अब तो ये यही चलता है, फ्लैश लाइट्स चल रही है। अब ड्रैकुला भी यही लेके आता है। अगला। ओ, ये बहुत खेला मैंने। तो आप इसको क्या नाम देना? ट्रैफिक सिग्नल। यार गुड, ओ वेरी गुड जी अनाया, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे अच्छे नाम रखे। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने भी हेल्प किया इससे। तो हमने आपका ये क्रिएटिव साइड आपके ब्रेन की देखी, जिसपे आपने चूड़ियों को टायर कहा। आपने कहा था, मैंने तो एग्री किया है इस पे। ओके जी, जो अगला गेम है नया, वो हम सबके लिए इम्तिहान है, आपके लिए भी। अच्छा, वो टैलेंट जो आपने पब्लिक को इतना नहीं दिखाया, हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर दिखाएं। टैलेंट जी, कौन सा? आपने हेडफोन पहनने हैं। अच्छा, आपके चंद फेवरेट गाने प्ले करने हैं, और आपने वो आप लोग अपने गाने प्ले करने हैं। ओके, और मुझे क्या करना है? सुनते हुए गाना है साथ में। इजी, सुनते हुए गाना है। मैं तो बहुत चाहती हूँ। हाँ बस, ओके जी, पहला गाना। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल, देखो तुझको जो ही हो जाऊं पागल,
होते हैं गुम दिल बोले बम बम हाँ बम मेरे सीने की धड़कन को सुन मेरी सांसों में तेरी गुम दिल बोले बम बम वेरी गुड नया वाह भाई आज तक जितने भी हमने शोज किए उनमें वन ऑफ द बेस्ट रियली हाँ Oh, wow. बहुत मुश्किल होता है कि आप हेडफोन पहन के गा रही हो और आप सही से गा रही हो हाँ? आपने अच्छा गाया जी दिस इज़ वन ऑफ़ फेवरेट सॉन्ग देखते हैं आप कैसे खराब करती हैं अगला बा मजबूरी नु आन जान ती बसूरी नु जहर तेरे हाथों रे ती जावा मैं पूरी नु आना से उन्हें आया दिल बाग बाग मेरा टकराया गागा बोल कि दस जावे पादा तेरी चूरी नु वावा च पावा च ओनु लुकाम कोई मैनु ना रोके मेरे ढोल जदाया दे तेरे खबर कुवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिया बड़ाया दे और गल बात किवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे वाह यार कहता सही था अच्छा गाया really good यार I'm impressed आप यही काम करें भाई ज़्यादा बदल कर रही हैं ओके जी यार ये मेरा भी favorite है ये बहुत अच्छा गाना है और ये हम पहली बार अच्छा, में आज प्ले कर रहे हैं चाहे क्या दिल चीज क्या मैं तेरा सब कुछ तेरा सोना सोना मेरा जीवन मेरे नजदीक आ माही वे ओ तेरी याद आती है रे ओ चंदन सी धूप में ओ पतली की ओर से माही वे ओ तेरी याद आती है रे ओ एक सुंदर प्यार का ओ सपना लाती है रे माही वे वेरी गुड किस मेल सिंगर की आप वॉइस मिमिक कर सकती हैं वैसे ये शहजाद रॉय कही और शहजाद रॉय हो गया आई कैन सिंग नए सिंगर्स में कौन है जिसकी आवाज को अच्छे से ये अली सेठी जो पसूड़ी वाला गाना था चलिए शहजाद रॉय का कुछ हमें सुना दे ओके ओके क्या प्यार यही है ओहो दिल को दुखाना आहा प्यार को मेरे तुमने समझा है क्या प्यार को मेरे तुमने समझा है क्या एक बार कह दो तुम्हें प्यार है ना झूठा ही सही इकरार है ना अरे वाह भाई इनायत खान क्या जबरदस्त इनायत खान आज से इनका नाम है यार अच्छी ये भी एक टैलेंट होना चाहिए ना क्या जब कोई रॉन्ग कॉल आती है ना मेरे पास मैं लिटरली मेंस वॉइस में मेल वॉइस में बात करती हूँ काट देते हैं अच्छा हाँ काट देते हैं वो फोन कॉल नहीं करते दोबारा मैं कहती हूँ हाँ हेलो कौन है भाई हम कभी लड़की को कॉल कर रहे थे अंदर से इतना मोटा आदमी निकला नहीं वो सोचते हैं कि शायद कुछ भाई या बाप होगा अच्छा वो कॉल काट देते हैं वो गुड यार जबरदस्त थैंक यू सो मच इनाया आप आई हैं बहुत मजा आया जाने से पहले अपने फैंस और प्यार करने वाले कुछ कहना चाहेंगी या सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले आप चूज योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ बिकॉज़ नो वन इज गोना यू नो लव यू मोर देन यू लव योरसेल्फ आपको अपने आप से प्यार जब हो जाएगा ना आपको किसी के जाने का गम किसी का धोखा कभी भी बर्दाश्त आप आराम से बर्दाश्त कर सकोगे क्योंकि जब आप अपने आप को चुनोगे सबसे पहले सो चूज योरसेल्फ फर्स्ट नो मैटर व्हाट हैपेंस वाह बड़ी गहरी बात की है देखो इससे भी संभाल लिया ना अपने आप को तुम भी संभाल लोगे अपने आप को या दैट्स ट्रू हां
हो जाता है, आप ही अपने आप को सपोर्ट कर सकते, कोई और आपका वजन नहीं उठाता। नो वन कैन एंड नो वन कैन नो कि आप किस तरह से गुजर रहे हो, किस चीज से गुजर रहे हो, वो आप सिर्फ खुद समझ सकते हो। क्या ही बात है, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। करते हैं यहीं पे आज के शो का इख्तिताम, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक रखिएगा या सब आने वाला।